बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया मानहानि मामले में वडाला कोर्ट ने आज शिवसेना नेता संजय राउत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने उन पर किए गए आरोपों को झुठला दिया है। क्या है ये पूरा मामला जानते हैं। संजय राउत द्वारा किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया पर किए गए 100 करोड़ शौचालय घोटाला मामले में किरीट सोमैया द्वारा संजय राउत के खिलाफ दाखिल मानहानि मामले में आज मुंबई के वडाला कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान संजय राउत को ऑर्थर रोड जेल से वीसी कैमरे के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सोमैया के आरोपों को संजय राउत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इनकार किया। क्या है पूरा मामला जानते हैं। सुनवाई हुई, मेधा किरीट सोमैया 100 करोड़ का शौचालय घोटाला, मेधा सोमैया की बदनामी मानहानि हुई है। कोर्ट ने भी इसमें प्राथमिक दृष्टि से प्राइमरीली इसमें तथ्य है ऐसा कहा था। संजय राउत वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उपस्थित हुए, उन्होंने गुना मानने से इनकार किया है। मेरे वकील एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने अनेक एविडेंसेस दिए हैं। अब 19 सितंबर से केस की रेगुलर सुनवाई शुरू होगी। शिवसेना विधान परिषद सांसद संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया पर शौचालय मामले में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप किए थे। संजय राउत ने यह आरोप बिना सबूतों के किए हैं, ऐसा प्रत्यारोप सोमैया की ओर से करते हुए इस मामले में वडाला कोर्ट में मेघा सोमैया की ओर से मानहानि का मामला दर्ज किया था। इस पर आज मुंबई के वडाला कोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संजय राउत ने इन आरोपों से इनकार किया है। बेसिकली मेरी यही बातचीत हुई कि जो एलिगेशन अभी है एप्लीकेशन में, कंप्लेंट में, प्राइवेट कंप्लेंट में उन्होंने फाइल किए हैं, क्या आप उसको मान्य करते हैं क्या? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं उन चीज़ों को मान्य नहीं करता हूँ। तो हम बेसिकली फ्यूचर में डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी फाइल करने वाले हैं इसमें।